हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम सीख रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट रिएक्टो लारावेल के अंदर। पिछले वीडियो में हमने लिस्टिंग वाले पेज पे काम किया था कि प्रोडक्ट लिस्ट के लिए एक पेज बना दिया था और एक फिल्टर का सेक्शन बना दिया था। इस वीडियो में हम प्रोडक्ट डिटेल पेज को डिज़ाइन करेंगे कि जब किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो उसका एक डिटेल पेज ओपन होता है, तो वो वाला काम हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर करें। तो हम चलते हैं अपने एडिटर के अंदर, ओपन कर लेते हैं अपना जो पेज है। पहले तो एक मैं यूआरएल बना देता हूँ, क्योंकि ये किसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं बनाऊँगा, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि वो तो यूआरएल हमारा एसईओ फ्रेंडली रहेगा। तो इसको तो मेरे को पेज दिखाने के लिए यूआरएल बनाना है, तो मैं लिख देता हूँ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी सिंगल प्रोडक्ट पर करूँगा तो सिंगल प्रोडक्ट पर यहाँ पर कोई पेज नहीं है। सबसे पहले काम है मेरा कि राउट सेट करना, तो माय राउट में जाएंगे और उसको बताएंगे कि अगर सिंगल प्रोडक्ट के नाम से कोई यूआरएल से एक्सेस करता है तो उसको कौन सा पेज दिखाना है। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ सिंगल प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे चला जाएगा। और पेज फोल्डर है, इस पर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा सिंगल प्रोडक्ट डॉट जे एस। ठीक है, अब इसके अंदर वही हमारा फंक्शन कंपोनेंट चलेगा सिंगल प्रोडक्ट, और ये होगा रिटर्न, रिटर्न होगी जे एस एक्स, और इसको दूसरे पेज में यूज़ करना है। इसके लिए इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसे सेव कर देते हैं और इसे भी सेव कर देते हैं। मैंने सेव इसलिए नहीं किया था कि एरर नहीं आए। ठीक है, सेव कर दिया, अब इसको होने दो रीलोड, तब तक यहाँ पे आ जाते हैं। अब पेज हमें कैसा डिज़ाइन करना है वो हमारे पास ये रहा। ये हमारी वेबसाइट है, सीआई की वेबसाइट है, सिंगल वेंडर है, इसी का हम चेंज कर रहे हैं इस वेबसाइट को रिएक्टो लारावेल के अंदर। तो ये वाला पेज इस तरह से कुछ हम डिज़ाइन करेंगे। ये टाइटल हो गया, रेटिंग रिव्यू हो गया, ये प्राइस हो गई, ये टाइप हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि हम ज्वेलरी की कैटेगरी पे काम करेंगे। तो ज्वेलरी में ऑर्डर क्रिएट होता है, कस्टमाइज ऑर्डर, कि आपको मेटल क्या यूज़ करना है, स्टोन कौन सा रखना है, स्टोन का डिज़ाइन क्या रखना है, साइज़ क्या रखना है, वो सब कुछ वहाँ पर पूछा जाता है यूज़र से। तो हम ऑर्डर कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे कि प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, उसको एड टू कार्ट करा दिया। ऑर्डर की सारी डिटेल पूछेंगे यूज़र से और वो यूज़र ऑर्डर क्रिएट करेगा और फिर वही चेकआउट वाला प्रोसेस चलेगा। तो इसमें क्या आ गया, सिंगल प्रोडक्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट आ जाएगा, कहाँ से आएगा, इसे कॉपी कर लो और इसी लोकेशन के अंदर सिंगल प्रोडक्ट भी रखा हुआ है। ये हो गया सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, ये एरर नहीं आएगी, हट गई एरर, मार आउट से कोई काम नहीं है, इसको बंद कर दो। अब हमें चलना है इस वाले पेज पे, मैं एक डिव बनाता हूँ, क्लास लेता हूँ पेडिंग पी फोर, और इस डिव को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक कॉलम लेना है, छः छः का मैं कॉलम ले लेता हूँ, डी आई वी क्लास नेम को, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद एक कॉलम बनाते हैं कॉल एम डी, कॉल एम डी सिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और इसको क्लोज करते हैं, ये क्लोज हो गया। अब उस वाले में तो आ जाएगी हमारी इमेज। ठीक है, अब इधर काम करते हैं पहले, तो एच फाइव लेता हूँ, सबसे पहले मुझे टाइटल चाहिए, तो टाइटल हमारा यही कॉपी करते हैं, सीधा कॉपी करेंगे इमेज को, हटा दो अभी तो यहाँ से। ठीक है, ये हमारा टाइटल आ गया। टाइटल के बाद हमारे पास रेटिंग है और रिव्यू है, तो ये हो जाएगा हमारा H6 यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। H6 के अंदर सबसे पहले मैं एक स्पैन बना देता हूँ,
एक्सपेंड, क्लास नेम कर देंगे इसको यूजर रिव्यूज, ये स्पेन क्लोज हो जाएगा। इसमें जो लिखा हुआ वो हम लिख देते हैं जीरो कस्टमर रिव्यू, जैसे कि 25 रिव्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमें चाहिए फॉन्ट कस्टम आइकन, फॉन्ट ए डब्ल्यू ई फॉन्ट कस्टम, यहाँ से कॉपी करके लेके आते हैं फॉन्ट कस्टम आइकन, हमें काम मिलेगा। इसमें लगा रखा है क्या हमने, इसमें नहीं है, ऑल प्रोडक्ट के अंदर ये रहा फॉन्ट कस्टम आइकन, ये रहा, ये दोनों कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट कस्टम, फॉन्ट कस्टम आ गया और इसमें आइकन चाहिए हमें, और इसको क्लोज कर देते हैं। आइकन कौन सा चाहिए हमें, इसमें स्टार का आइकन चाहिए, तो स्टार के नाम से एक आइकन होता है, ठीक है, सेव करते हैं। यहाँ पे एक स्टार का आइकन आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 ये हमारा रेटिंग हो गया, ये रिव्यू हो गया, ठीक है। और इसको लिख देते हैं मार्जिन लेफ्ट हो जाएगा ये 2 का, ठीक है। तो ये मार्जिन लेफ्ट लगा दिया मैंने थोड़ा सा। अब हमारे पास प्राइस है, तो प्राइस हमारे पास एक ही रहेगी, दो प्राइस नहीं होगी। प्राइस कैलकुलेशन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम कस्टमर से पूछेंगे कि आपको ऑर्डर में क्या बनवाना है, तो ये तो यहाँ नहीं बनेगा, ये नीचे बनेगा। तो लिख देते हैं उसको 15,000 रुपये, ठीक है। इस तरह से ये प्राइस हो गई। अब प्राइस के बाद हम ऑर्डर कस्टमाइज करते हैं, क्रिएट कस्टम ऑर्डर, ठीक है। हम यूज़र से पूछेंगे कि 4-5 में एक फॉर्म बना लेता हूँ, फॉर्म के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस निकल के आ जाएगी अपने आप। तो बूटस्ट्रैप का फॉर्म कहाँ पे है हमारे पास, लॉगिन के अंदर है, लॉगिन मनी रजिस्टर में होगा। तो ये रहा फॉर्म, ग्रुप कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ DIV, क्लास नेम क्रिएट ऑर्डर फॉर्म, ठीक है। क्योंकि अगर इसका डिज़ाइन सही करना होगा तो हम इस क्लास से कर देंगे, ठीक है। इसमें हम पूछते हैं जैसे कि चेंज बाद में कर लेंगे, हेडिंग लिख देते हैं सीधा, हेडिंग 1। यहाँ पे सारे सेलेक्ट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि यूज़र को जैसे ज्वेलरी में 4-5 टाइप होता है, जैसे रिंग्स है, इयररिंग्स है या नेकलेस है, वो क्या चीज़ सेलेक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट क्लास नेम हो जाएगी, फॉर्म कंट्रोल, फिर सेलेक्ट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें लगेगा ऑप्शन, ऑप्शन क्लोज वैल्यू, इसमें लिख देते हैं सेलेक्ट वैल्यू, ठीक है। ये हो गया, इधर आते हैं, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम इसको एक काम कर देते हैं, DIV क्लास नेम है रो, इस रो को क्लोज करते हैं और एक क्लास बना देते हैं कॉलम MD6 ले लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्म क्या थोड़ा छोटा हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लेक्स करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी ठीक लग रहा है, ये हमारा ठीक ऑर्डर है। तो ये फॉर्म ग्रुप हो गया, यहाँ से स्टार्ट फॉर्म ग्रुप, हेडिंग 1 हो गई, 2 3 4, ठीक है। ये हम यूज़र से डिटेल ले लेंगे, तो नीचे हमें बटन बनाना है,
बटन हमें कहाँ बनाना है, इसके अंदर। तो ये कहाँ क्लोज हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है यहाँ पे। तो मैं एक बटन बना देता हूँ, बटन टाइप बटन क्लास में बीटीएन बीटीएन प्राइमरी, ठीक है, क्लोज क्रिएट ऑर्डर। क्रिएट ऑर्डर के नाम से हमने बटन बना लिया, ठीक है। टाइटल हो गया, डिटेल हो गई, और इसके बाद में क्या है, इसके बाद में और कुछ भी नहीं है, ये डिटेल हमने यूजर से ले ली। अगर कुछ होगा तो हम वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ इमेज, तो इमेज का तो मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा, इमेज एड्रेस कॉपी किया, और जो ये कॉलम छोड़ा था हमने एक यहाँ पे, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि एक तो हमें इमेज चाहिए, तो इसको मैं लिखता हूँ डीआईवी क्लास इमेज, इमेज को किस क्लास देते हैं, जैसे इमेज यू, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं। और इसके अंदर आईएमजी बनाते हैं एसआरसी, इसमें ये एड्रेस पेस्ट कर देते हैं, और एएमटी, एएमटी के बाद इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, सेव करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारी इमेज शो हो जाएगी, ठीक है, जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे दिखने लग गई। अब इसके बाद क्या है, मैं लिखता हूँ इमेज लिस्ट, तो जो भी प्रोडक्ट की हम 4-5 इमेज अपलोड कराएंगे वो इसके नीचे लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं यूएल क्लास इमेज लिस्ट, यूएल क्लोज कर देते हैं। एल आई के अंदर हमारे पास इमेज रहेगी आईएमजी एसआरसी, ठीक है, और ये पेस्ट, ये गलत पेस्ट हो गया, और इसको क्लोज कर देते हैं, सेल को क्लोज हो जाएगा, ये एएमटी लगा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस सी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी, और ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, कॉपी नहीं हुआ ये तो, ठीक है, दोबारा कॉपी कर देते हैं, कॉपी किया, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट किया, ठीक है, एक इमेज हमारी नीचे आ जाएगी। तो इस तरह की हमें कितनी इमेज चाहिए, जैसे कि 5-6 इमेज होती है, तो 4 इमेज रखेंगे, ठीक है, ये हो गई हमारी 4 इमेज। अभी डिज़ाइन इस तरह से आ रहा है, डिज़ाइन तो हम चेंज कर लेंगे, डिज़ाइन का हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें जैसे कि और कुछ बनाना है, तो इसके नीचे तो बनेगा कि इस तरह का ऑर्डर, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को परचेज किस किस ने किया, क्या किसने रेटिंग करी है, और ये इस तरह की डिटेल होती है। यहाँ पे तो इमेज तो हमने यहाँ तक लगा दी है ना, ठीक है, ये मेन इमेज हो गई, और थोड़ी नीचे इमेज की 4 इमेज आएगी, वो इमेज की लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। टाइटल वगैरह सब आ गए यहाँ पे, टाइटल के बाद इस प्रोडक्ट सेक्शन के नीचे हम एक रिलेटेड का सेक्शन लगा देते हैं, जहाँ से कि जो इस प्रोडक्ट के सिमिलर प्रोडक्ट होंगे वो भी नीचे लिस्ट रहेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट के अंदर, मेन बॉडी के अंदर जो हमारे पास ये सेक्शन है न्यू प्रोडक्ट सेक्शन, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, सेव करेंगे, और यहाँ पे आ जाते हैं इस पेज में। अभी क्या हो रहा है, लिंक नहीं है डिफाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक डिफाइन नहीं है, तो इंपोर्ट कर लेते हैं लिंक, ये लिंक यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा रिलेटेड लिख देते हैं इसको, तो न्यू तो नहीं रहेगा, ये रहेगा रिलेटेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गया, वही भी और कर सकते हैं इनको, ठीक है। और इसके नीचे अगर लगाना चाहें तो रेटिंग लगा सकते हैं कि किस यूज़र ने
इस प्रोडक्ट को क्या रेटिंग दी है, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं। और इसके बाद में हमारे पास क्या है, रेटिंग है, रेटिंग हम लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल पेज, कि टाइटल हो गया, ये हो गया। और इसका डिस्क्रिप्शन, जैसे कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर देना हो तो हम इसको दे देते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारा किसके बाद आएगा, टाइटल हो गया, प्राइस के नीचे लगाते हैं। तो प्राइस के नीचे मैं पी टैग लगा देता हूँ, तो पी टैग के अंदर हमारा डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ दो तीन बार, ठीक है। तो ये दो लाइनों में हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया कि दो लाइनों के इस प्रोडक्ट के बारे में, जो भी है कि जो भी डिफ़ॉल्ट जो इसमें आ रहा होगा वो क्या है और कस्टमाइज़ करना है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल पेज डिज़ाइन हो गया। और इसका जो हमारी डिज़ाइनिंग की जो चीज़ें रहती है वो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। जैसे इमेज ज़्यादा बड़ी आ रही है तो इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।